69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, लगातार 67 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिखाती हूँ आपको कि राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में लगातार इतने दिनों का समय हो गया है, फिर भी अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग सरकार से कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ है, उसके बाद भी इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इतने दिनों का लंबा समय हो चुका है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या अगला कदम हो सकता है आप लोगों का? मैम, परिस्थितियाँ हमें परेशान कर सकती हैं लेकिन पराजित नहीं। आप लगातार देख रही हैं, आज 67 दिन हो गए और हमारी उम्मीदें कम नहीं हुई हैं, उम्मीदें बढ़ रही हैं समय के साथ। और हमारा अगला कदम क्या है, हम शांतिपूर्वक धरना करते रहे हैं, करते रहेंगे। बस चीज़ें ये हैं कि थोड़ा सा एग्ज़ाम था, त्यौहार था, कुछ संख्या कम हुई है, ये संख्या पुरजोर तरीके से आने वाली है और हम सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। शिक्षा मंत्री जो बार बार हर मंच से बोलते हैं कि हमने इतना दे दिया, उतना दे दिया, हम बार बार उनसे यही अपील करते हैं कि एक्चुअल में आंकड़ा कहाँ है। अगर आपने दे दिया है, हमें 40% दे दिया है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयनित सूची है 69,000 की, वो कैटेगरी वाइज, गुणांक वाइज जारी करें। हम पहले दिन से वही मांग कर रहे हैं और आज 67 दिन हो गए, हमारे मांग में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 27 और 21 की मांग लेकर चले थे, चल रहे हैं और चलेंगे। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता, हम ऐसे ही शांतिपूर्वक सरकार से अपनी बात मनवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। क्या कारण लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? बेसिक शिक्षा मंत्री जी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का आदेश भी मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्होंने घोटाला जम करके किया है। अगर वो मान लेंगे तो शायद उनकी मंत्रिमंडल पद से भी छुट्टी होने वाली है, हो जाएगी, इसलिए वो मानना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है और जम के घोटाला किया। वो केवल आंकड़ों में खेल रहे हैं, जैसे हमने 31,000 OBC का चयन कर दिया, इतने जनरल का चयन कर दिया, इतने SC का चयन कर दिया। आंकड़े न दें, ले आ करके अगर इन्होंने भर्ती सही किया है तो ला करके लिस्ट दे दें उनकी पूरी की पूरी, कितनी मतलब कि कितने के कितना ट्रांसपेरेंसी रखे हैं भर्ती में, वो सारा का सारा अपने आप सामने आ जाएगा। धन्यवाद। क्या कहेंगे, क्या लगता है कि कहाँ पे समस्या आ रही है, क्यों नहीं, कहाँ काम रुक रहा है? वहीं से काम रुक रहा है जहाँ से बेसिक शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी को और समस्त हम लोगों को जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं से सारी जो है विडंबनाएँ शुरू हो रही हैं। और आने वाले समय में हम लोग जो है महाधरने का ऐलान कर चुके हैं और शीघ्र जो है यहाँ धरातल पर सब कुछ देखने को मिलेगा। कब तक इसी तरीके से इंतज़ार करते रहेंगे कि आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है, कब तक इन आश्वासनों के भरोसे आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? देखिए, उम्मीद ही सब कुछ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है 7 दिन का समय दिया था कि 7 दिन के अंदर आपका मामला निस्तारित होगा, और उसके पहले हमारे जो है बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी 4 दिन का समय लिए थे, उनको तो जो है 1.5 महीने हो गए और मुख्यमंत्री जी को इस समय 20 दिन के ऊपर हो गया। और अभी ये बताया जा रहा है कि आपका मामला जो है चल रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है कि नेतागिरी करके शिक्षा मंत्री का जो है पद बाहर ग्रहण कर लिया है? उन्होंने पढ़ाई की है या फिर गेहूँ बेच करके क्यों सर्टिफिकेट ले लिया है? उन्हें मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो ये लड़ाई हो रही है वो 27% और 21% की हो रही है। 46% आपने दे दिया है, 31,000 आपने दे दिया है, ये कोई मामला नहीं है। आप अगर तनिक भी पढ़े लिखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो आप ही के द्वारा बनाया गया विभाग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने आप पर आरोप लगाया है कि आप सिर्फ OBC को 3.86% आरक्षण दिए हुए हैं और SC को 16.6% दिया है, बाकी जो 27 नहीं पूरा हो पा रहा है या 21 नहीं पूरा हो पा रहा है, उस टोटल सीटों को लगभग 18,000 समथिंग आपने गबन किया है। सीधा सीधा आपके ऊपर आरोप लग रहा है और आप ये कह करके लोगों को बरगलाना चाह रहे हैं या मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं, या आप जैसे मीडिया में भी आकर के कह देते हैं। आप सब भी जानते हैं कि रूल क्या होता है। अब सुन करके आप सब भी, मंत्री जी ने तो कह दिया 46% दे दिया है, आप सब भी उनसे कह सकते हो कि ये 46% किस तरीके से है, पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछ सकते हैं ना 46% किस बेस पे आपने दिया है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। फिर क्या उस 27 में वो आ रहा है, नहीं आ रहा है? भाई, यहाँ जो मेरिटोरियस है, वो जो UR का कट ऑफ है, वो अगर पार हो गया है तो उसको आप 27% में क्यों रखना चाहते हैं? जितनी बार आप लोगों के अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उसमें क्या ये बात रखी नहीं गई, और रखी गई तो अभी तक क्या कारण दिया जा रहा है?
जब बात रखी जाती है तो उस समय यही कहा जाता है कि चलिए हम इसको देखते हैं, हमारे टेबल तक ये फाइल नहीं आई है, हमारे टेबल तक वो फाइल नहीं आई है। अगर आपके पास टेबल तक फाइल नहीं आई है तो फिर आप ये किस बेस पर कह रहे हैं कि 46% दिया गया है या 31,000 जो है सिलेक्ट हुए हैं ओबीसी के लोग, किस बेस पे आप कह रहे हैं? आपके खुद की बातों में कंट्रोवर्सी है, पहले आप इसको सुलझाइए। और एक चीज़ और, आप कितना सत्य बोलते हैं ये तो पूरी जनता जान रही है और शायद अब बीजेपी के लोग भी जान गए हैं। आप हमें आरोप लगाते हैं कि हम लोग सपा के जो है आरोपित लोग हैं उनके अंडर में हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, उनके बहकावे में आके कार्य कर रहे हैं, ये हमें आप बताइए। किसको वोट दिया था? 67 दिन हो गया, वोट किसको दिया था? हमने बीजेपी को वोट दिया था। 67 दिन हो गया, हम आपको कहते हैं या आपका कोई भी सुपरिचित व्यक्ति हो, परिचित व्यक्ति हो, उसको 67 दिन एक दिन बैठा दी, एक जगह बैठा दीजिए, क्या वो बैठ पाएगा? एक दिन भी बैठ पाएगा वो? ये 67 दिन की बात है और ये लड़ाई कमज़ोर नहीं होने वाली है। ये जितने दिन बीत रहे हैं दिन प्रतिदिन यह विकराल रूप लेगा। अभी तो हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन गांधीवादी का एक और तरीका है, आंदोलन केवल बैठ करके हो रहा है। तो ये दांडी मार्च आपने सुना होगा, तो हम लोगों का मार्च होगा आने वाले समय में, मार्च जी क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीएमडी न्यूज को मैं सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों के बीच में, पत्थरों के बीच में आकर के कम से कम हमारे दुख को सुनने के लिए यहाँ तक आ रही हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तो जो मोदी जी ने एक आयोग बना करके उसको संवैधानिक दर्जा दिया, उसको भी चैलेंज यहाँ के बेसिक शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उनके आर्डर को नियर अबाउट 3 महीने से प्लस हो गया है दिए हुए, अभी तक उस पर न तो कोई कार्रवाई हुई न तो कुछ किया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आखिर में ये गवर्नमेंट अगर इस प्रकार का संवैधानिक दर्जा भी देता है और संवैधानिक दर्जे के बाद संवैधानिक चीज़ को मानने के लिए भी तैयार नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को संवैधानिक दर्जा देने का क्या मतलब है? वहाँ पर बैठाए गए अगर लोग उस योग्य नहीं है कि लिस्ट सही करवा सकें, तो ऐसे आयोग को बंद कर देना चाहिए, ऐसा मेरी थिंकिंग है। तो जैसा कि आपने देखा, अभ्यर्थी लगातार बने हुए हैं और अपनी बात सरकार तक पहुंचा भी रहे हैं। इनका कहना यही है कि अभी तक गांधीवाद तरीके से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन इसके बाद ये आंदोलन और भी उग्र हो सकता है और महाआंदोलन की भी नौबत आ सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।